तो और भाइयों कैसे सब यार, स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पबजी कॉम्पिटिटिव करियर को लेकर। तो बेसिकली बात यह है कि तुम लोग में से कई बंदे सोच रहे होंगे कि यार पबजी में कॉम्पिटिटिव करियर हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यार वही मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगा कि क्या अब पबजी में कॉम्पिटिटिव करियर बचा भी है या नहीं, और अगर बचा है तो कैसे बचा है, अगर नहीं बचा है तो क्यों नहीं बचा है, ठीक है। तो बेसिकली इसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में, क्योंकि देखो यार मैंने काफ़ी टाइम कॉम्पिटिटिव खेला है, ठीक है। तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि आगे इस लाइन में अभी कुछ भी करियर बचा है या नहीं बचा है, ठीक है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए यार मैं बता दूँ कि मैंने तो अभी फ़िलहाल के लिए कॉम्पिटिटिव छोड़ दिया है, और यार यही रीज़न रहा कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर रहा था, क्योंकि यार नहीं मन कर रहा था यार वीडियो बनाने का, क्योंकि तुम समझ रहे होगे क्या है कुछ। खैर ये चीज़ तो हम वीडियो के एंड में डिस्कस कर लेंगे, बाकी अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या पबजी में कॉम्पिटिटिव करियर बचा है या नहीं, ठीक है। तो यार कुछ फैक्टर्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो तुम यार कमेंट करके बताना कि वो फैक्टर्स हैं ये मैटर करते हैं कॉम्पिटिटिव करियर पबजी में बनाने के लिए या नहीं, ठीक है। मैं कुछ फैक्टर्स बताता हूँ जो पबजी कॉम्पिटिटिव करियर बनाने के लिए मैटर करते ही करते हैं। तो यार उसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद जो मैटर करता है वो होता है डिवाइस, उसके बाद जो मैटर करता है वो तुम्हारा वाईफाई, उसके बाद तुम्हारे स्क्वाड, ठीक है, जो तुम्हारे टीममेट रहेंगे ना वो स्क्वाड, ठीक है। उसके बाद मैटर करता है यार तुम्हारे स्किल्स, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि मैंने यार काफ़ी टाइम खेला है पबजी, ठीक है, पबजी खेला, कॉम्पिटिटिव खेला काफ़ी टाइम, तो मेरे को एक्सपीरियंस है। तो यार मैं नहीं चाहता यार कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो इस चीज़ में, या फिर तुम अपना टाइम यूटिलाइज़ करो इस चीज़ में, ठीक है। दोनों चीज़ में बताऊँगा, ठीक है, क्या है कुछ अभी इस चीज़ में फ्यूचर बचा भी है या नहीं, वो सब, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कि फैमिली सपोर्ट, तो 90% प्लेयर्स के ना जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे या उनके जो पेरेंट्स रहेंगे ना वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे यार, मेरे को पता है, ठीक, क्योंकि यार कोई नहीं सपोर्ट करता यार इस चीज़ को। गेमिंग के लिए तुम अभी पेरेंट्स से बोलोगे जाके कि मेरे को पबजी में अपना कॉम्पिटिटिव करियर बनाया, तो यार नहीं सपोर्ट करेंगे वो, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो यार एक टाइम के लिए मान लो कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ने तुमको सपोर्ट कर दिया, ठीक, तुमको सपोर्ट कर दिया कि हाँ तुम अपना करियर बना सकते हो उसमें, ठीक है, तुमने कुछ भी किया रो धो के उनको कैसे भी करके कन्वेंस कर लिया, ठीक। उसके बाद यार तुम्हारी बात आती है डिवाइस की, तो यार आजकल जो जितने भी अपडेट आ रहे हैं ना पबजी के, ठीक है, और जैसा कि तुमको पता भी होगा कि यार जो कस्टम रहते हैं ना उनमें लास्ट के जो सेकेंड या थर्ड लास्ट जो भी जोन रहते हैं ना वहाँ पर मिनिमम 30 बंदे रहने ही रहने हैं, कोई भी अगर ठीक ठाक का कस्टम होगा T2 T1 का, ठीक है, तो मिनिमम उधर 30 बंदे अलाइव रहेंगे ही रहेंगे। और आजकल जो अपडेट हो चुका है ना पबजी, जितना साइज़ बढ़ चुका है ना पबजी का, तो अब एक 40,000 से नीचे का फ़ोन अगर तुम्हारे पास है तो भाई वो नहीं कर सकता, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता वो बंदा, जो जिसके पास अगर 40,000 से नीचे का फ़ोन है तो वो बंदा अब नहीं कर सकता। जैसे भी अपडेट आते रहेंगे उसके बाद तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक। तो मान लो यार जब तुमने, ठीक है, तुम्हारे फैमिली ने सपोर्ट कर दिया, अब तुमने उनसे कन्वेंस करके कहीं से भी रुपए रुपए का जुगाड़ कर लिया, तुमने एक फ़ोन भी ले लिया, ठीक, एक 40-50 हज़ार का अच्छा फ़ोन एंड्रॉयड या फिर आईफोन ले लिया, ठीक। अब बात आती है वाईफाई की, तो यार वाईफाई का भी खर्चा बहुत रहता है, लगभग 1,000 रुपये पर मंथ, और हर किसी की फैमिली ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो हर हफ्ते तुमको 1,000 रुपये, मतलब सॉरी हर महीने 1,000 रुपये सिर्फ वाईफाई के लिए खर्च करें, ठीक है। उसके बाद ऊपर से तुमको उन्होंने एक फ़ोन भी लेके दिया है इतना महंगा, ठीक, और बहुत सी जगह पे तो यार वाईफाई अवेलेबल भी नहीं हो पाता, जैसे मेरा जो एरिया है ना वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ भी रहती है। लेकिन फिर भी चलो एक यार मान लेते कि ये चीज़ भी तुमको मिल गई, तुमने एक अच्छा फ़ोन ले लिया, एक अच्छा वाईफाई ले लिया। अब यार बात आती है एक अच्छे स्क्वाड की, ठीक है, तुम्हारे टीममेट, ठीक। अब मैंने जो चीज़ बताई है ना, एक अच्छा फ़ोन, एक अच्छा वाईफाई, अब मान लो यार तुमने तो ले लिया, अब क्या तुम्हारे टीममेट्स के पास वो चीज़ है, क्या तुम्हारे टीममेट्स के पास एक अच्छा फ़ोन है, एक अच्छा वाईफाई है, तो ये चीज़ तो लाइक इम्पॉसिबल जैसी है। एक अच्छा ऐसा स्क्वाड बनाना जिसके पास एक अच्छा फ़ोन हो, एक अच्छा वाईफाई हो, उनके फैमिली वाले भी उनको सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा स्क्वाड बनाना इस टाइम पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा, ठीक, क्योंकि भाई
नहीं होता यार, ऐसे बंदे तुमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर जो बंदे हैं भी अच्छे प्लेयर्स, जो उनके पास अच्छा फ़ोन है, तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है, ऑलरेडी किसी अच्छे क्लैन में होंगे। और तुम अभी सोचो कि यार कि मेरे टीममेट, मेरे को ऐसे टीममेट मिल जाए जो जिनके पास अच्छा फ़ोन हो, अच्छा वाईफाई हो, तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। फिर भी चलो मान लेते हैं यार, कहीं ना कहीं से तुमने जुगाड़ कर लिया, ठीक है, अच्छे टीममेट ले लिए, अच्छे वाईफाई ले लिया। फिर बात आएगी यार कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाओगे भाई, हर किसी के साथ तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा सकते ना तुम अपना, क्योंकि हर किसी की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती, तुम्हारी थिंकिंग कुछ और रहेगी, उनकी थिंकिंग कुछ और रहेगी, हो सकता है वो उतना ज़्यादा लाइक ध्यान ना दे कॉम्पिटिटिव के लिए, वो एक लाइक कुछ भी और भी काम करते हैं, ठीक है, तो उनके पास उतना टाइम ही ना हो, ठीक। मान लो फिर चलो ठीक है, हो गया, ये भी हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, तुमने उनके पास टाइम भी निकला गया, अब बारी आती है यार स्किल्स की, ठीक है, तो स्किल्स को मैंने, सही बात है यार, स्किल्स को मैं सबसे लास्ट भी रखूँगा, क्योंकि जो आजकल का जो भी कंपटीशन रहेगा ना पबजी में, वो स्किल्स तुम्हारे सबसे एंड में ही आएंगे, ठीक है, वो ऊपर तो अब नहीं रहेगा, पहले था, ठीक है, पहले कुछ भी रहा हो मेरे को नहीं पता, लाइक पहले तो कुछ भी था, हाँ स्किल्स मैटर करते थे पहले ज़्यादा फ़ोन से, ठीक है, लेकिन अब जिस हिसाब से अपडेट पे अपडेट आते रह रहे हैं, और जिस हिसाब से साइज बढ़ता जा रहा है ना पबजी का, और बंदों के जो स्किल्स बढ़ते जा रहे हैं ना, उसके बाद अब स्किल्स ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, अब फ़ोन और डिवाइस ज़्यादा मैटर कर रहा है, ठीक। अब मान लो यार तुमने ले लिया यार, वैसे तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तुम अभी तक खुद ही समझ ही चुके होगे कि ये चीज़ जो मैंने अभी तक इतने पॉइंट गिनवाए हैं ना, ये चीज़ इम्पॉसिबल जैसी लग रही होगी तुमको, ठीक है, क्योंकि भाई नहीं पॉसिबल है यार, इतना सब कुछ तुम्हारा डिवाइस, तुम्हारे टीममेट का डिवाइस होना, ये चीज़ बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। अब मान लो यार चलो ठीक है, मान लो तुमने एक अच्छा डिवाइस लिया, तुमने टीममेट ने एक अच्छा डिवाइस ले लिया, तुमने अब चालू कर दी प्रैक्टिस करना, ठीक, तो अब प्रैक्टिस में क्या करोगे, ठीक है, तुमने स्क्रीम्स खेलना चालू कर दिया, ठीक है, तुमने T1 खेलना चालू कर दिया, T2 खेलना चालू कर दिया, ठीक, जब तुम वहाँ पे जाओगे ना, जब तुम एक बार वहाँ पे पहुँचोगे ना एक अच्छे टूर्नामेंट में, ठीक, लाइक रहा अगर पबजी का ऑफिशियल टूर्नामेंट्स ही देख लें, PMIS PMCO, जब तुम वहाँ पे एंटर करोगे ना, ठीक है, तब तुम्हारा मुकाबला होगा हैकर्स, ठीक, मतलब कुल मिला के बात आ गई अब हैकर्स के ऊपर, क्योंकि भाई PMIS में 50% तो मैं बोलूँगा कि भाई वही बंदे क्वालिफाई करते हैं, PMCO में भी वही बंदे क्वालिफाई करते हैं जो ESP यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई मिनिमम आप हो गया ना 45 किल्स तुमको करने होते हैं, ठीक है, मिनिमम एक मैच में 45 किल्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है भाई, ऊपर से हैकर्स आते हैं तो नहीं हो पाता वहाँ पे जाके, ठीक है, तुम्हें क्वालिफिकेशन ही नहीं मिलेगा ना, तुमको मौका ही नहीं मिलेगा आगे खेलने का, ठीक है, जब तुमको मौका नहीं मिलेगा तो तुम आगे अपने आप को प्रूव कैसे कर पाओगे, ठीक। फिर भी चलो मान लेते हैं यार एक बार कि चलो होगा, तुमने हैकर्स को भी बीट कर दिया एक टाइम पे, मान लेते हैं वो ESP लगा रहे थे, तुमने बिना ESP के क्वालिफाई कर लिया, ठीक। अब जब क्वालिफाई कर लिया तो अब आबादी आएगी तुम्हारे एक्सपीरियंस को लेके, अभी अभी तुमने स्क्वाड बनाया, ठीक है, और तुमने अभी भी स्क्वाड में, तुमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि लाइक अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो भी गया 1 महीने का, ठीक है, मिनिमम 1 महीने का तुमने एक्सपीरियंस लेके वहाँ पहुँच गए, तो भाई जो बंदा 2 साल से कॉम्पिटिटिव खेल रहा है, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो तुम उसको कैसे बीट कर पाओगे वहाँ पे जाके, ठीक है, क्योंकि तुमको अभी तक क्लासिक की आदत पड़ी हुई थी, ठीक है, तुमको कोई आइडिया नहीं कि कॉम्पिटिटिव में आखिरकार अच्छे कॉम्पिटिटिव में कैसे खेला जाता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कॉम्पिटिटिव कस्टम्स में भी कोई ज़्यादा खास बात नहीं होती है कि वहाँ पे लाइक उनको चिकन डिनर्स निकालना, लेकिन एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाके, एक अच्छे टूर्नामेंट में जाके परफॉर्म करना, क्योंकि वहाँ पे हर कोई आईफोन के साथ खेलता है, ठीक है, हर कोई iPhone 20 MS के साथ खेलता है, और उनको पिछले 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, लाइक अगर तुम भाई अच्छी अच्छी टीम्स की बात कर लो, जैसे सोल हुआ, फैनेटिक हुआ, एंटिटी हुई, ठीक है, तो उन सब की बात कर लो, तो भाई उनके अगेंस्ट कैसे फाइट करोगे जाके, तुमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुमको मिनिमम भाई 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है। अब जब 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगता है, तुम आज अभी ये चीज़ सोच रहे हो कि मेरे को पबजी में कॉम्पिटिटिव करियर बनाना है, तो 6 महीने तक क्या तुम समझ ही रहे होगे क्या कितना वेट तुमको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी तुम सोच रहे होगे कि यार मैं इतने निगेटिव पॉइंट्स बताया जा रहा हूँ, तो क्या यार क्या करूँ मैं, कॉम्पिटिटिव पबजी करूँ ना करूँ, ठीक है, तो वो यार तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, अगर तुम ये 6 महीने दे सकते हो, तुम पे अच्छा डिवाइस है, तुम्हारे
स्क्वाड के पास अच्छा डिवाइस है और तुम अगर मतलब पूरे मन से चाहते हो कि मेरे को कॉम्पिटिटिव पबजी में बनाना तो यार कोई दिक्कत नहीं भाई, बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम बना नहीं सकते, ठीक है। लेकिन भाई वही चीज़ है, डिवाइस मैटर करेगा, ठीक है। वो चीज़ तुम एक बार लिख के ले लो भाई, डिवाइस मैटर करेगा ही करेगा वहाँ पे, एक अच्छा वाईफाई मैटर करेगा ही करेगा वहाँ पे, ठीक। क्योंकि आजकल का जो साइज़ हो गया ना पबजी का, उसके बाद अब 40,000 के नीचे का फ़ोन नहीं दे पाएगा यार उतना FPS। एक तुम 30-35,000 का भी फ़ोन लेके जाओगे ना वहाँ पे, वो 60 FPS तुमको शो करेगा, लेकिन वो देगा सिर्फ लास्ट जोन में, वही देगा तुमको मैक्सिमम 45 FPS, से ज़्यादा नहीं देगा वो, ठीक। बाकी अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि यार मेरे पास तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे यार बंदे रहेंगे कि उनके पास स्किल्स तो बहुत है, वो चाहते भी, उनके फैमिली वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लाइक अफोर्ड कर पाए एक मोबाइल एक वाईफाई। तो यार अगर तुम्हारे पास इतने ज़्यादा स्किल्स हैं और तुमने सोच ही लिया है कि इसी लाइन में मेरे को अभी करियर बनाना ही बनाना है, ठीक, तो भाई बहुत सारे यार पेड टूर्नामेंट आते हैं ना, थोड़ा पैसा लगाओ उन पे, ठीक है, इन्वेस्ट करो यार, या फिर ऐसा कोई क्लैन ज्वाइन करो जो तुमको इन्वेस्ट करा पाए, लाइक जो मेरा क्लैन है, ठीक है। तो हमने सोचा कि अगर कोई भी बंदा T1 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ठीक है, हमको लगता है लाइक उनका स्क्वाड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो हम यार खुद उनको पेड कस्टम्स में फ्री एंट्री दिलवाते हैं, ठीक, मतलब दिलवाएंगे आगे जो भी है, ठीक। तो बस वही है कि भाई ऐसा कोई क्लैन ज्वाइन कर लो, अगर खुद थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो, ठीक है, वहाँ पे लगाओ थोड़ा बहुत, तो तुमको जब पता है कि हाँ तुम कर सकते हो, जब तुमने अपने स्किल्स इतने अच्छे कर लिए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा पैसा लगा दो यार, वहाँ पे पेड कस्टम्स खेलो, वहाँ से रुपया आ जाएगा थोड़ा बहुत, डाउन पेमेंट पे एक अच्छा फ़ोन ले सकते हो तुम वहाँ पे जाके, ठीक। और बाकी तो कुछ नहीं यार, बाकी तो बस यही है कि भाई ज़्यादातर तो चांस रहेंगे कि अब कोई करियर तो नहीं बचा है पबजी में, ठीक। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये लगन है ना कि भाई मेरे को करना ही करना, मेरे ना मैंने ठान लिया कि भाई इसमें मैं कर ही करूँ, तो भाई कोई भी चीज़ हो, किसी भी लाइन में तुम चले जाओ, अगर तुमने एक बार ठान लिया ना कि भाई ये चीज़ में मेरे को यहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है, ठीक है, तो भाई तुमको कोई नहीं रोक सकता, ठीक, अगर तुमने एक बार अपने मन से। लेकिन हाँ भाई एक चीज़ ज़रूर आएगी यहाँ पर, मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि पबजी में भाई चार बंदों का ऐसा होना ज़रूरी होता है, ठीक है, तुमको चार बंदे ऐसे ढूंढने पड़ने जिनने ऐसा ठान रखा हो, ठीक, क्योंकि तभी तुम्हें वहाँ पे जाके कुछ भी कर पाओगे। बाकी यार अभी हम बात करेंगे कि मैंने कॉम्पिटिटिव क्यों छोड़ा, ठीक। तो बेसिकली मैंने कॉम्पिटिटिव इसलिए छोड़ा क्योंकि भाई मैं कर रहा हूँ अभी 12th, ठीक। तो मैंने जब अपनी पेरेंट्स से बात की थी इस टॉपिक को लेकर कि मैं अभी ऐसा पबजी में करियर वगैरह बनाना चाहता हूँ, मेरे को भी डिवाइस वगैरह चाहिए रहेगा, तो यार उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी कि पबजी आज के 6-7 महीने बाद भी रहेगा, ठीक है, लेकिन 12th लाइफ में दोबारा नहीं आएगी, ठीक। तो यार हाँ वैसे तो उन्होंने कोई ऐसा बोला नहीं था कि भाई अगर मैं तुमको ऐसा लाइक रोकूंगा कि तुम ये करियर मत बनाओ या फिर ये मत करो, ठीक है, तो बस उन्होंने यही चीज़ बोली कि 12th बाद में नहीं आएगी। तो मैंने भी यार काफ़ी देर बैठ के इस बारे में सोचा कि क्या करूँ मैं यार, पबजी करूँ या फिर 12th का अपना बोर्ड का एग्ज़ाम्स पे फोकस करूँ। तो यार कुल मिला के मैंने यही चुना कि भाई मेरे को 12th पे पहले फोकस देना, मेरे को बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा करना है, उसके बाद यार मैं सोचूंगा ना पबजी के बारे में, एक बार मेरे पे बोर्ड की मार्कशीट रहेगी ना, उसके बाद सोच लेंगे यार पबजी में करियर बनाना है कि नहीं, ठीक है, डिवाइस वगैरह का मेरा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और तब तक मेरे जो टीममेट्स रहेंगे ना तो उनके पास भी एक अच्छा डिवाइस आ जाएगा। 6-7 महीने की तो बात है, आज के लगभग कितना मार्च में एग्ज़ाम्स रहेंगे ना, तो मार्च के बाद अप्रैल मई के ऑलमोस्ट मई तक हमारा जो भी रहता है JEE वगैरह का, वो मेरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। तो मई में मैं दोबारा से आ जाऊँगा पबजी में, अगर मैंने उस टाइम पे क्या थिंकिंग रहती है मेरी वो तो उस टाइम की बात है वहाँ, लेकिन जहाँ तक है मैं आऊँगा, बैक करूँगा मैं, ठीक है। तो बस यही बात थी कि यार मैंने अभी पबजी पे थोड़ा टाइम देना कम कर दिया है, और लाइक मेरे जो गेम प्लेज वगैरह भी रहेंगे वो अभी कॉम्पिटिटिव लेवल तक के तो नहीं रहेंगे, लाइक जो भी मैं खेलता था वैसा तो अभी नहीं रहेगा, अभी मैं बहुत कम खेलूँगा पबजी, ठीक है, मेरे को पूरा फोकस देना अपनी पढ़ाई को लेकर। तो जो भी अभी मेरे आगे वाले वीडियोज़ भी रहेंगे वो थोड़े डिले रहा करेंगे, लाइक हफ्ते में एक दो तक मैं डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, दो वीडियोज़ या एक वीडियो हफ्ते में डालूँगा मैं, लेकिन जो भी वीडियोस रहेंगे वो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए रहेंगे, कोई भी ऐसा स्किल बेस्ड तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैं यार उतना खेल नहीं पाऊँगा, तुमको भी पता है कि भाई को पबजी कॉम्पिटिटिव में अगर आना है तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है पबजी को, ठीक।
तो या फिर जो भी अच्छा परफॉर्मेंस अगर देना है पबजी में तो टाइम लगता ही लगता है। तो बस वही है यार, अभी आगे आने वाले मेरे जो गेम प्लेज वगैरह रहेंगे वो सिर्फ फ़न के लिए रहेंगे, बस तुमको यार हंसाते रहेंगे और क्या। तो यार बस और तो कुछ नहीं है, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए पीस आउट।